नमस्कार दोस्तों, आज हम किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो जो एग्जामों में पूछे हुए हैं किरचॉफ के नियम से संबंधित वो प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपना, वह टर्मिनल जहाँ तीन या अधिक शाखाएं मिलती है किस रूप में जाना जाता है? तो दो या तीन या अधिक शाखाएं मिलती है उसको हम संगम, नोड या जंक्शन नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो, नोड, टर्मिनल, एनोड, कैथोड, बेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोड या जंक्शन या संगम, तो नोड हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होगा, सॉरी होगा, तो इसका यानी बीजगणित योग क्या होगा? अगला इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ रहा है कि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर परिपथ में किसी नोड से निकलने वाली धारा का बीजगणित योग होना चाहिए। तो संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है किरचॉफ के धारा नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कह सकते हैं इसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शून्य। अगला क्वेश्चन है, एक जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का गणितीय योग शून्य होता है, यह नियम है, यानी संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यह किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, किरचॉफ का धारा नियम। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का संधि नियम संरक्षण किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? यानी किरचॉफ का जो संधि नियम या धारा नियम है यह आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम है यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण है, तो सी, आवेश। अगला प्रश्न है, किरचॉफ नियम के अनुसार सही कथन चुनिए, यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो कौन सा होगा, अब देखो किरचॉफ का नियम क्या है कि आने वाली धारा बराबर, प्रथम नियम क्या है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इसमें देखो किस में आने वाली धारा और जाने वाली धारा यानी धन धारा और ऋण धारा का मान बराबर रह रहा है। तो ए ऑप्शन है, ए सी और डी, एट ए नोड, जंक्शन पर ए सी और डी दे रखा है। तो पहले में क्या है, देखो 2.2 एम्पेयर आ रही है, 1.8 एम्पेयर आ रही है प्लस है, और जा रही कितने माइनस में है, तो वो जा रही है तो 4 एम्पेयर जा रही है। तो इनका योग करो, देखो 2.2, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सिग्मा ई, सॉरी सिग्मा आई बराबर 0। तो सिग्मा आई को देख लो, 2.2 + 1.8 - 4, इनका मान 0 हो रहा है या नहीं, देखो 0 होगा तो सही है। तो देखो 2.2 और 1.8 कितना हो गया 4, प्लस के 4 हो गए और माइनस के 4, तो ये हो गया 0, तो ये सही है। अब सी के अंदर देखो क्या हो रहा है, 4.2 + 1.8 - 5, अब इनका मान देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4.2 और 1.8 कितना हो गया 6, प्लस के 4 और माइनस के 5, तो ये गलत हो गया। अगले के अंदर देखो 2. डी में 2.2, तो प्लस के हो गए 2.2 + 1.8, और ये भी प्लस का है 4, तो ये कितने हो गए 2.2 और 1.8, 4, 4, 8 हो रहे हैं, तो ये भी 0 नहीं हो रहा। तो 0 किस में हो रहा है, ए ऑप्शन में हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला, तीन शाखाओं की संधि में अगर तीन शाखाओं की संधि में अगर संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं 2 एम्पेयर और 5 एम्पेयर है तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार संधि से निकलने वाली धारा क्या होगी? यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब ये कह रहा है कि कोई संधि है, तीन शाखाओं की संधि है, मान लो ये तीन शाखाएं है, ये तीन शाखा हो गई, इसमें से प्रवेश करने वाली 2 एम्पेयर और 5 एम्पेयर है, तो निकलने वाली संधि से निकलने वाली धारा का मान क्या होगा? तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा कितनी हो गई, 3, 2 और 5 कितना हो गया, 5 तो 7 एम्पियर, तो जाने वाली धारा कितनी होगी 7 एम्पियर, तो राइट आंसर क्या हो गया डी। अगला है, दिए गए आरेख में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार धाराओं में संबंध है। अब देखो आरेख दे रखा, आरेख किस प्रकार का है, देखो यह संगम है, इसमें
यह बता रखा है आई टू, यह है आई थ्री, ये जारी धारा आई वन, ये जारी धारा आई फाइव और ये संगम पर आने वाली धारा आई फोर। तो आने वाली धारा कौन सी है? आई टू, आई थ्री और आई फोर। जाने वाली धारा कौन सी है? आई वन और आई फाइव। तो क्या हो जाएगा? आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई फाइव, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो देखो आने वाली इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि इसमें पहले जाने वाली दे दी आई वन और आई फाइव, बराबर हो जाएगा आई टू, आई थ्री और आई फोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला है, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है? या इसको दूसरे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आर आई। और इसको वोल्टेजों का बीजगणितीय योग ऊपर भी दे रखा है ना, लूप के आसपास सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, तो इस दोनों प्रकार से इसको बोलते हैं। तो यह कौन सा नियम है? यह किरचॉफ का वोल्टेज नियम या दूसरा नियम या केवीएल नियम कह सकते हैं इसको। तो किरचॉफ का दूसरा नियम इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला, किसी बंद परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग घटकों पर खपत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रश्न में, इसलिए मैंने अलग डाला इसको। यानी इसमें वोल्टेज नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, तो इसमें वोल्टेज नियम दे रखा ऑप्शनों में, तो ये हो गया वोल्टेज नियम। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आई आर गिरावट और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा? यानी इसका बीजगणितीय योग और इसका जो गिरावट है किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी बंद लूप में, बंद लूप में जो अलग अलग खपत घटकों पर खपत वोल्ट होगा वो लगाए गए बीजगणितीय योग के बराबर होगा, तो इनका यानी जो पूरे परिपथ का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो लगा रहे हैं वो इसमें खपत हो जाएगी। तो जो लूप है अपना, जो बंद पथ है, उसमें क्या होगा? शून्य हो जाएगा, यानी वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा बीजगणित योग शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, शून्य। अगला, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है? यह आगे पहले वो किरचॉफ का धारा नियम था वो आवेश संरक्षण पर है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पथ को क्या कहते हैं? यानी अनेक शाखाएं और उससे परिपथ यदि बंद है तो उसको हम लूप कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया लूप। अगला प्रश्न है, एक बंद लूप में घटकों के वोल्टेज पाथ का योग किसके बराबर होता है? यानी एक बंद लूप के में घटकों के वोल्टेज पाथ का योग किसके बराबर होता है? अब ऑप्शन देखो, इन्हें लगाए गए वोल्ट के बराबर होगा, तो अनुप्रयुक्त वोल्ट का आधा, शून्य अनुप्रयुक्त वोल्ट का दोगुना या तीन गुना, तो लगाए गए वोल्ट के बराबर ही होगा, यानी अलग अलग घटकों पर खपत वोल्टेज लगाए गए वोल्ट के बराबर होगा, तो अनुप्रयुक्त राइट आंसर हो जाएगा, लगाया गया वोल्ट या अनुप्रयुक्त वोल्टेज। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में केवीएल का उपयोग कर V1 और V2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो किस प्रकार से हल करेंगे, एक परिपथ दे रखा है, बैटरी दे रखी है यानी सप्लाई दे रखी है 20 वोल्ट प्लस माइनस 20 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम और एक रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो विभव है, इधर माइनस है इधर प्लस है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें ये प्लस है ये माइनस है।
अब इसमें पूछ लिया कि वोल्टता का मान क्या क्या होगा, इस पर वोल्टता का मान क्या होगा और इस पर क्या होगा। तो पहले इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं परिपथ का, आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू, यानी श्रेणी क्रम में है तो 2 ओम प्लस 3 ओम, तो आर टी कितना हो गया 5 ओम, इसका परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम। अब धारा ज्ञात कर लो, I बराबर हो गया V अपोन R, V का मान कितना है 20 वोल्ट, R का मान कितना है 5, तो धारा का मान हो गया 4 एम्पियर, यानी धारा का मान हो गया 4 एम्पियर। अब देखो आर एक में धारा की डायरेक्शन ये दर्शा रखी है, अब यानी धारा की दिशा कौन सी होगी, धन से ऋण की तरफ होगी, तो इसमें धारा की दिशा सही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यानी 2 ओम प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज, इसको V1, हाँ ये V1 है और ये है V2, तो V1 बराबर हो गया R1 इंटू I, ये R1 मान लो और ये R2, तो R का मान कितना है 2, I का मान कितना है 4, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। अब V2 क्या होगा, V2 बराबर हो जाएगा R2 इंटू I2, तो V2 बराबर हो गया R2 इंटू I, यानी I तो समान रहेगी तो I। अब देखो पहले सीधी सीखा है कि V ज्ञात कर लो, इसका R का मान कितना है 3 और I का मान कितना है 4 एम्पियर, तो कितना हो गया 12 वोल्ट, परंतु इसकी दिशा विपरीत है। देखो धारा की दिशा ये है जबकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये माइनस है और ये प्लस है, इसके एकदम विपरीत है इसका वोल्टता, तो क्या हो जाएगी विपरीत है, तो ये क्या होगा माइनस में आएगा उत्तर, फिर तो इसकी वोल्टता क्या होगी, पहले की वोल्टता तो 8 वोल्ट प्लस है और दूसरे की क्या है -12 वोल्ट, तो +8 वोल्ट और -12 वोल्ट, प्लस को हम दर्शाते नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 8 वोल्ट और -12 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, दर्शित सर्किट में केवीएल यानी किरचॉफ वोल्ट लॉ का उपयोग कर आर का मान ज्ञात कीजिए। आर एक किस प्रकार से दे रखा है, देखो आर एक दे रखा है एक रेजिस्टेंस, एक और ये हो गया 5 ओम का, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का, एक 7 ओम का और एक आर, यह है और यहाँ पे ले दे रखा है 50 वोल्ट, आपूर्ति वोल्ट 50 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 7 ओम। परिपथ धारा I बराबर दे रखी है 2 एम्पियर, प्लस और माइनस ये आर एक दे रखा है, इसमें पूछा है कि इस आर का मान क्या होगा। देखो परिपथ धारा 2 एम्पियर दे रखी है, परिपथ वोल्टेज 50 वोल्ट दे रखे, तो इस परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, पहले तो ये ज्ञात कर लो आर टी बराबर क्या होगा। आर बराबर होता है वी अपॉन आई, वी का मान कितना है 50, आई का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 25 ओम, यानी इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 25 ओम। अब ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, तो हम कह सकते हैं कि आर टी बराबर, या इसको केवल R ही रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं R5 की जगह, आर टी बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R, ये R यही होगा। अब देखो आर टी का मान कितना दे रखा है 25 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, कितना हो गया 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, तो 25 बराबर 19 प्लस 8, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 19 बराबर हो गया आर, तो कितना हो गया आर बराबर हो गया 6, तो आर का मान कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी टोटल प्रतिरोध में से इनको अलग अलग को हम घटा देंगे तो वो शेष रहेगा वो इस आर का मान आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया 6 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक ईएमएफ के स्रोत
हेतु से चलने पर विभव में बढ़ोतरी होती है। इन ईएमएफ स्रोत यदि ऋण से धन की तरफ चलते हैं तो विभव में वृद्धि होती है, और धन से ऋण की तरफ चलते हैं स्रोत के ऋण से धन की तरफ धन से ऋण की तरफ चलते हैं तो विभव में कमी होती है। तो इसमें क्या दे रखा है कि विभव में बढ़ोतरी कब होगी, विभव में बढ़ोतरी होगी इस प्रकार चलेंगे तो, यानी ऋण आयन से धन आयन की तरफ चलेंगे, ऋण से धन की तरफ चलेंगे तो विभव में बढ़ोतरी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, स्रोत के ऋण से धनात्मक छोर तक, यानी ऋण स्रोत से धन स्रोत की तरफ बढ़ेंगे तो विभव में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह के कारण मेष में प्रतिरोधी ड्रॉप के रूप में ली जानी चाहिए। यदि दक्षिणावर्त दिशा में है तो धनात्मक ड्रॉप, और यदि वामावर्त दिशा में है तो उसे ऋणात्मक ड्रॉप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक ड्रॉप। अगला है, करंट के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधी ड्रॉप को सकारात्मक यानी धनात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए, वह करंट के वामावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधी ड्रॉप को के रूप में लिया जाना चाहिए, तो वामावर्त है तो उसे नकारात्मक ड्रॉप कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नकारात्मक ड्रॉप, यानी बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी ईएमएफ जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट को प्रवाह करने का कारण बनता है उसे के रूप में लिया जाना चाहिए, वही आ गया ऊपर वाले का लगभग समान ही है। यदि दक्षिणावर्त दिशा में करंट प्रवाह है तो धनात्मक ईएमएफ, और वामावर्त दिशा में तो ऋणात्मक ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त है तो धनात्मक ईएमएफ, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ के लिए आई का मान है, यानी एक परिपथ है इसमें आई का मान क्या होगा। देखो ये आरेख है, यहां से 3 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से 6 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ धारा का मान पूछा है। अब देखो किसी पथ से यहाँ 6 एम्पेयर की धारा आ रही है, इसमें से 3 एम्पेयर यहाँ जा रही है तो यहाँ कितनी रहेगी, 3 एम्पेयर, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली 6 है जाने वाली 3 है तो ये 3 6 हो गई। अब यहाँ कितनी धारा आ रही है, 3 एम्पेयर, इधर से आ रही है 1 एम्पेयर, तो आने वाली धारा कितनी होगी, 3 और 1 4, तो जाने वाली कितनी हो जाएगी, 4 एम्पेयर। तो इस धारा का मान का क्या होगा, यहाँ से प्रवाहित धारा 4 एम्पेयर होगी। तो यह इस किरचॉफ के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब अगला वीडियो अपना रहेगा कार्य शक्ति और ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों का हल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।